यक्षोम से जुड़े हुए सभी भक्तों को जय माता दी। आज है तारीख 4 जुलाई 2024 और दिन है वीरवार का। आज के वीडियो अपडेट के अंदर हम आपको मौसम की जानकारी, यात्री की संख्या, वर्ल्ड कवर के वेटिंग टाइम के साथ साथ बताने वाले एक दुखद खबर, और जिस खबर को बताने का उद्देश्य केवल आपको सतर्क करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि वैष्णो देवी यात्रा मॉनसून सीजन के अंदर सेफ है या नहीं। लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं माता रानी का श्रृंगार, आज किस प्रकार से माता रानी के तीनों पिंडियों को माता रानी के भवन में सजाया गया था। आज है वीरवार और वीरवार के दिन माता रानी की पिंडियों को हमेशा पीले रंग के चोले में सजाया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आज भी यहाँ पर लाल रंग के बॉर्डर के साथ पीले रंग का चोला माता रानी को चढ़ाया गया है। साथ ही साथ सोने के आभूषणों के देख सकते हैं, उसके साथ ही आप सीधे हाथ पर माता रानी की अखंड ज्योत जो हमेशा यूं ही जलती रहती है वो देख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि फूलों द्वारा श्री यंत्र को भी आज माता रानी की पिंडियों के सामने बनाया गया है। आपको आज का ये श्रृंगार कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर हमें जरूर बताएं। माता रानी के श्रृंगार के बाद आइए बढ़ते अपने पहले सेगमेंट मौसम की जानकारी के बारे में। आज के मौसम की बात करें तो आज सुबह से ही लगातार बारिश होनी शुरू हो गई है और आज पूरा दिन कुछ इसी प्रकार से मौसम रहने वाला है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं भवन के सुंदर नज़ारे आज सुबह 8 बजे किस प्रकार से थे। आप जो ये वीडियो देख रही है, आज सुबह 8 बजे का वीडियो है, श्री माता वैष्णोदेवी भवन से सामने दिखने वाले रोपवे वाली पहाड़ी का। और हम देख सकते हैं कितना यहाँ पर धुंध छाया हुआ है और ये 8 बजे के दृश्य हैं। यहाँ पर इसके बाद काफी तेज बारिश शुरू हो गई थी और आपको बता दें कि आज पूरा दिन माहौल ऐसा ही रहने वाला है, बादल छाए रहेंगे और पूरे यात्रा ट्रैक पर बारिश आपको आज देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ आपको बता दें कि कल एक दुखद घटना श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा के दौरान हुई, जहां पर एक युवक की पत्थर गिरने से मौत हो गई है। और आपको बता दें कि ये अक्सर हम अपने वीडियोस के अंदर बताते रहते हैं कि जब भी आप इस यात्रा को करें तो बड़े ही सावधानी से करनी है, खासकर जब यहां पर मॉनसून सीजन हो। तेज बारिश के कारण यहां पर और काफी तेज हवा चलने के कारण अर्धकुंवारी के पास वाले रास्ते, जिसे हम हेमकोटी मार्ग कहते हैं, जो सीधा भवन की ओर जाता है, लगभग 5.5 किलोमीटर का रास्ता है, इस रास्ते पे अक्सर पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आती रहती है, स्पेशली मॉनसून के सीजन के अंदर। जब भी बारिश का सीजन होता है तो यहाँ पर काफी सतर्कता से हमें यात्रा करनी पड़ती है। जगह जगह पर लिखा रहता है कि यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर अलर्ट होकर चले और वहाँ पर रुके नहीं, और साथ ही साथ तेज गति से आपको उस स्थान से निकलना होता है। आइए विस्तार से बात करते हैं कल की घटना के बारे में। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पत्थर फिसलने की घटनाएं बढ़ गई और इसी क्रम में वैष्णो देवी भवन पर एक हादसा हो गया है। यहाँ पहाड़ी से एक पत्थर फिसला जो श्रद्धालुओं को जा लगा, इसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक उत्तर प्रदेश का निवासी है और मृतक की उम्र 20 साल है। आपको बता दें कि ये अपनी फैमिली के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने आए थे और इस दुखद घटना के अंदर उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजनों के साथ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर आए इस श्रद्धालु की मौत जो हुई है वो भवन के बैटरी कार मार्ग पर देवी द्वार क्षेत्र पर पहाड़ी से पत्थर फिसलने से हुई है और जो सीधा उसके सर पर जाकर लगा था। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि मृतक का नाम अविनाश त्रिपाठी था, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु शिवांशु त्रिपाठी अपने परिजनों के साथ बुधवार को माँ वैष्णो देवी के भवन की ओर रवाना हुआ, तभी दोपहर करीब 1 बजे बैटरी कार मार्ग पर देवी द्वार क्षेत्र में अचानक पहाड़ी से फिसल कर पत्थर श्रद्धालु को लग गया और जिसके बाद वह जख्मी हो गया। और वहीं मौके पर मौजूद श्राइन बोर्ड अधिकारी व कर्मियों के साथ ही पुलिस के जवानों ने तुरंत राहत व बचाव कार्य कर गंभीर रूप से घायल श्रद्धालुओं को पास ही की डिस्पेंसरी के अंदर जब लेकर गए तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो फिलहाल ये थी एक दुखद खबर जो आपको हमने केवल इसलिए बताई ताकि आप सतर्क रह सकें। इस खबर को बताने का उद्देश्य आपको बिल्कुल भी संशय में लाना नहीं है और ना ही आपको इन चीज़ों से घबराना है। आपको बता दें अक्सर मानसून के सीजन के अंदर ऐसा होता है। और इसके साथ एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे देते हैं कि अब हेमकोटी मार्ग को बंद कर दिया गया है और ये बंद आपको बता दें कल से ही ये बंद कर दिया गया जब से ये घटना सामने आई है। उसके बाद ताराकोट मार्ग जो नीचे कटरा से सीधा आपको अर्धकुंवारी मार्ग की ओर लेके जाता है वो रास्ता भी बंद कर दिया गया है। जी हाँ, ये दोनों ही मार्ग बंद कर दिए गए हैं और काफ़ी तेज बारिश हुई थी जिसके कारण यहाँ पर पत्थरों के फिसलने की घटनाएं और एक युवक की मौत भी हो गई थी और इस यात्रा को सावधानी के तौर पर फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगर आप ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं, हेमकोटी मार्ग से जाना चाहते हैं, तो आप उस रास्ते पर फिलहाल नहीं जा सकते हैं और इसी वजह से बैटरी कार की सुविधा भी फिलहाल बंद चल रही है।
आपको बता दें, अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आपको नीचे बाणगंगा से पुराने रास्ते से इस यात्रा को करनी होगी, जो बाणगंगा से चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी जाता है। उसके बाद अर्धकुंवारी से आपको हिमकोटी मार्ग खुला हुआ नहीं मिलने वाला है, आपको हाथी मत्था के रास्ते से ही भवन पर जाना होगा। आपको बता दें, पहले भी इसी रास्ते से ही यात्रा होती थी और अभी भी यात्रा इस रास्ते से होती है, लेकिन हिमकोटी मार्ग थोड़ा सा आसान रास्ता लगता है, तो यात्री इस रास्ते से अर्धकुंवारी से भवन की यात्रा को करते हैं। लेकिन बता दें कि मॉनसून सीजन के अंदर अक्सर कई इस तरह की घटनाएं होती हैं, जिसको हमने आपको पहले भी बताया अपने लाइव शोज के अंदर, कि मॉनसून के अंदर हिमकोटी मार्ग को कई बार बंद कर दिया जाता है सावधानी के रूप में, और कल ये जो घटना हुई उसके बाद इसको फिलहाल बंद रखा गया है, और कब तक ये बंद रहता है उसके बारे में जैसे कोई नई जानकारी आएगी आपको वीडियो के सारे वो भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कल पूरा दिन रोप वे की सुविधा और हेलीकॉप्टर की सुविधा भी तेज बारिश के कारण बंद रही थी। कल पूरा दिन हमें रोप वे की सुविधा यहाँ पर देखने को नहीं मिली, और साथ साथ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद थी। आपको बता दें कि आज भी हेलीकॉप्टर सुविधा चलने के कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आज भी पूरा दिन काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी और तेज़ बारिश वाला माहौल यहाँ पर बना रहने वाला है। आइए अब आपको बता देते हैं कि आपको ऐसे माहौल के अंदर किस तरीके से सतर्कता बरतनी है। सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी आप यात्रा शुरू करें, आपके पास एक रेनकोट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लगातार कई दिनों तक आपको ऐसा ही माहौल यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप आगे आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर यात्रा करने वाले हैं तो अपने साथ एक रेनकोट और साथ ही साथ अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की मेडिसिन जरूर लें, जो आपको यहाँ पर होने वाली छोटी मोटी बीमारियों से बचा कर रख सकती है। इसके साथ ही साथ आप चाहें तो एक छोटा अम्ब्रेला रख सकते हैं अपने साथ, जो कई बार आपको रेनकोट से सामने से आने वाली बारिश से बचा सकता है। साथ ही साथ कोशिश करें कि कहीं पर भी जहाँ पर टीन सेट हो या ना हो, आपको रुकना नहीं है, आप केवल उस स्थान पर रुकें जहाँ पर यहाँ पर बैठने के लिए कोई मनाही ना हो। हम अक्सर देखते हैं कि हिमकोटी मार्ग पर भी जगह जगह लिखा रहता है कि यहाँ पर ना बैठें, यहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है, और जब तेज बारिश आ रही है तो आपको एक स्थान पर रुक जाना है, आपको तेज बारिश के अंदर यात्रा को नहीं करना है। आप बारिश के हल्के होने का इंतजार कर सकते हैं, अक्सर तेज बारिश और तेज हवा के दौरान ही इस मार्ग पर पत्थर गिरने की संभावनाएं हो जाती हैं, तो आपको ऐसी कंडीशन के अंदर एक जगह पर रुक जाना है, आपको आगे की ओर उस वक्त नहीं बढ़ना है जब वहां पर तेज आंधी या तेज हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही हो। इसके अलावा किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी मौसम संबंधित अगर आप लेना चाहते हैं या कोई अन्य जानकारी जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो, वो आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर डायरेक्ट WhatsApp मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं। हमारा WhatsApp मैसेज रहेगा 8076174046। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी किसी प्रकार की सहायता हमसे मैसेज के सहारे ले सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी श्रद्धालु को इस यात्रा ट्रैक पर कभी भी कोई परेशानी ना हो। ये थी मौसम की जानकारी। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट यात्रियों की संख्या के बारे में, इस माहौल के अंदर भी कितने यात्री वहाँ पर आ रहे हैं, आइए इसके बारे में एक जानकारी लेते हैं। यात्रियों की संख्या के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जैसे कि आपको पता ही है कि अब पूरा जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा बारिश वाला रह सकता है, और हमेशा अक्सर यही हमें देखने को मिलता है। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या हमने जून के महीने में देखी, और जुलाई के महीने आते आते इस संख्या पर थोड़ा सा विराम जरूर लगा है, लेकिन आपको बता दें कि जो भी यात्री अमरनाथ जा रहे हैं वो इस यात्रा पर भी आ रहे हैं, तो अभी भी लगातार उतना रस यहाँ पर नहीं है जितना जून में रहता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर रस बरकरार है। इस बार लगभग 30,000 के आसपास यात्री अभी भी श्री माता वैष्णो देवी पर पहुंच रहे हैं, लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में ये आंकड़ा है, और ये आगे लगभग इसी प्रकार से रहने वाला है, और ये आंकड़ा शनिवार और रविवार को एक बार फिर से बढ़ने वाला है, लेकिन वीकडेज में यहाँ पर नॉर्मल यात्री की संख्या बनी रहेगी। इसी के साथ साथ दर्शनों की बात करें तो अगर आप दोपहर या रात को 11 बजे के आसपास लाइन में लगते हैं तो आपको मुश्किल से 20 मिनट के आसपास दर्शन हो जाएंगे, उससे ज़्यादा समय आपको दर्शनों के अंदर नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आप आरती के समय इस लाइन में लगते हैं तो आपको कुछ घंटे का समय लग सकता है। अगर आपके पास समय का अभाव हो तो कोशिश करें कि आप उस वक्त ही वहाँ पर पहुँचें जब दोपहर या रात का समय हो रहा हो। अगर आप रात को वहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आपको 9 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाना है, उसके बाद आपको नीचे बने हुए -4 और -3 के फ्लोर पर जगह मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यात्री काफ़ी ज़्यादा पहले से वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप 9 बजे के आसपास दुर्गा भवन में पहुँच जाना, उसके बाद नीचे जाते सबसे पहले आपको कम्बल
कंबल का इंतजाम करना है क्योंकि ऊपर थोड़ा ठंड आपको महसूस हो सकती है, खासकर इस बारिश के सीजन के अंदर। कंबल लेने के बाद आप अपने घर से लाए ताले से श्री दुर्गा भवन के अंदर ही बने हुए लॉकर के अंदर अपना सामान और उस कंबल को रख के दर्शन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद जब आप दर्शन से वापस आ जाए अपना सामान निकाल कर आप वहीं पर अपना विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद आप अगले दिन सुबह उठकर भैरवनाथ जी के पास जाकर अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करें और साथ ही साथ उसके बाद आप नीचे आकर अपने अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर आपने टोकन नंबर पहले ही ले लिया था जब आपने इस यात्रा को शुरू किया था। आइए जानते हैं इसी बात पर कि किस प्रकार से आज श्री माता वैष्णो देवी के आधे पड़ाव अर्धकुंवारी पर वेटिंग टाइम बना हुआ है। अरे बात कर लेते हैं अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम के बारे में, तो आपको बता दें कि अभी भी यहाँ पर 36 से 48 घंटे का वेटिंग टाइम सभी श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। हालांकि जून में मिलने वाले 72 घंटे के वेटिंग टाइम से लगभग आधा है, लेकिन अभी भी ये 36 घंटे मतलब कि 1.5 से 2 दिन का समय आपको लग सकता है। आपसे यही आग्रह कि जब भी आप इस यात्रा पर आएँ तो अपना टोकन नंबर लेकर ही इस यात्रा करें। जब आप वापस नीचे आएंगे अगले दिन तो आपका नंबर तब तक आ चुका होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सेम डे ही यहाँ पर दर्शन हो जाए तो उसके लिए आपको यहां पर मिलने वाले अर्धकुंवारी की टिकट ले सकते हैं, जो आरती के लिए होता है, जो 300 रुपए के कॉस्ट पर यहां पर दिया जाता है। और आपको बता दें कि 1 जुलाई से ये ऑनलाइन भी शुरू हो गया, आप ऑनलाइन भी इसको ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट केवल 300 रुपए है, जिसमें आप आरती में शामिल होने के साथ साथ आप गर्भजून गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की बिल्कुल ताज़ा अपडेट सभी जानकारी के साथ। आपको आज का हमारे वीडियो कैसा लगा एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अन्य लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि सभी लोगों को पता चले कि हम रोज़ सुबह एक नया अपडेट लेकर आ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर रोज़ सुबह 11 बजे के आसपास श्री माता वैष्णो देवी से एक नया ताज़ा अपडेट नोटिफिकेशन के साथ आपके मोबाइल पर आ जाया करेगा और आप रोज़ सुबह एक नया ताज़ा वीडियो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा संबंधित अपने घर बैठे ही देख सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक सभी भक्तों को जय माता दी। मेरे दर पे रोता आए हंसता जाए हर जन, मेरा बुलावा जिसको जाए।